अलमैकम एवरी वन आई एम मोहम्मद ऊस्मान और मैं आज आपके साथ अपना सी एस एस का एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ कि मैंने सी एस एस ट्वेंटी एटीन में किस तरह क्वालिफ़ाई किया फ़र्स्ट अटैम्प्ट में और जो मैंने अपने सी एस 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 ए और सी एस एस ग्राम कम्पोजिशन को किस तरह अप्रोच किया अब सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो क्वेश्चन रेज होते हैं डिफ्रेंट कैंडिडेट्स करते हैं कि भाई आपने किस तरह जो है अप्रोच किया इन दोनों सब्जेक्ट्स को क्योंकि ये दो सब्जेक्ट सबसे टफ़ सब्जेक्ट्स हैं और इनमें में क्वालिफाई अगर आपने कर लिया तो बाकी सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई करना इट्स नॉट अ बिग टास्क अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कम्पोजिशन की अब इंग्लिश ग्रामर एंड कम्पोजिशन के लिए आपके पास तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट आपकी ग्रामर सेकेंड आपकी वोकेबलरी एंड थर्ड आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अब ग्रामर एंड कम्पोजीशन के लिए आपने जो डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करना है उसमें सबसे पहले आप कंसल्ट करेंगे रेन एंड मार्टन की बुक को जो जिसमें से आप इंग्लिश बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर बेसिक उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे अब उसके अपने फ़ायदे हैं और ड्रॉबैक्स हैं फ़ायदे ये हैं कि वो एक बहुत डिटेल्ड बुक है उसमें आप सारा कुछ इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं और उसको अप्रोच कर सकते हैं उसका ड्रॉबैक ये है कि डैट इज़ टू मच लेंथी यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम दैट बुक सेकेंड सोर्स आपके पास जो अवेलेबल है वो है प्रीमियर इंग्लिश ग्रामर एंड कम्पोजिशन बाय कारवान अब ये जो बुक है मार्केट में अवेलेबल है अब इसका मेन जो बेनिफिट ये है कि ये टू द पॉइंट है फॉर योर सी एस एस एंड पी एम एस इंग्लिश इसमें से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ईजीली कवर कर सकते हैं प्रेसी कवर कर सकते हैं कम्पोजिशन कवर कर सकते हैं करेक्शंस कवर कर सकते हैं देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइज अवेलेबल फ्रॉम द पास पेपर्स के जो जिस तरह के वो करेक्शंस पूछते हैं तो आप वो कवर करने के बाद एटलीस्ट इतने काबिज हो जाएंगे कि पेपर में जो करेक्शन आएंगे आप उसको ईजीली अटैम्प्ट कर सकें इसके अलावा उसमें पंक्चुएशनस हैं प्रपोजिशन हैं पेरो वर्ड्स हैं जो कि मोस्टली वही रिपीट होते हैं अगर आप पास पेपर्स में देखें और ए हैं तो ये जब आप कवर कर लेंगे तो आप अपने आप को इस तरह समझें कि आपका एक सी एस इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का पार्ट कवर हो गया है लेकिन जो थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया जिसमें वो कैबलरी है अब वोकेबलरी के लिए देर आर मैनी सोर्सेज और हर कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करता है कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डिफरेंट मैगजींस पढ़ते हैं उसमें से जो वकीबलरी उनको इंपॉर्टेंट लगती है वो नोट डाउन कर लेते हैं सेपरेट और वो अपना सोर्स बनाते हैं सेकेंड कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जी आर ई की वोकेबरी है उसको प्रिपेयर करते हैं उसको, है, उसको क्रैम करते हैं जितने भी वर्ड्स हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी वोकेबलरी बिल्ड करते हैं और थर्ड इस तरह के हैं जो देर आर डिफरेंट सोर्स अवेलेबल इन मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग वकीबरी बाई कार जिसमें सेवन फिफ्टी हाईली फ्रीकुन वर्ड्स हैं अगर आप उनको प्रिपेयर करते हैं और उसको यूज़ करना आपको आ जाता है तो ये थर्ड कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं तो अगर आप जिस मर्जी सोर्स को फॉलो करें लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैंने बिल्डिंग विकैबरी से अपने विकैबरी तैयार की थी जो जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया इंग्लिश ग्रामर में भी और इंग्लिश कंपोजिशन में भी अब सेकंड दो चीज़ें कवर हो गई हमारी अब थर्ड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपने ग्रामर भी कर ली वोकेबरी भी कर ली लेकिन अब अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस स्टाइल्स का नहीं पता तो आपको पहले दो चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए आपने क्या करना है आपने डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना है आपने किस तरह पढ़ना है एक तो आपकी व्यू ये होना चाहिए कि आपने अपना एनालिसिस आपने अपने व्यूज़ बिल्ड करने हैं सेकेंड आपका व्यू ये होना चाहिए कि आपने किस तरह सेंटेंस को अपने आइडिया को डिलीवर करना है अगर आप देखेंगे कोई भी आर्टिकल पढ़ लेते हैं कोई भी कॉलम पढ़ लेते हैं तो उसमें एक पैराग्राफ की जो मेन थीम है वो एक ही होता है सो तो इस तरह हमने फॉलो करना है कि आप जब जो, जो भी कोई पैराग्राफ लिखें जो भी कोई सेंटेंस लिखें तो एक ही आइडिया कन्वे हो और उसका मतलब इस तरह कन्वे हो जाए कि रीडर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े कि आपने उसमें क्या लिखा है तो ये तीन चीज़ें जब आप कवर कर लेंगे आपका सी एस एस प्रेस एंड कम्पोजिशन ईज़िली प्रिपेयर हो जाएगा सेकेंड पे आपका क्वेश्चन ये होता है कि जी प्रेसे हमसे नहीं होती प्रेसे बहुत मुश्किल है ये हम कैसे प्रिपेयर करेंगे सो so, प्रेसे के लिए आपने क्या करना है पास पेपर्स में जाना है पास पेपर जितने भी प्रेसिस अवेलेबल हैं आपने उनको अटैम्प्ट है और आपने उनको चेक करवाना है किसी से अब चेक करवाने के लिए आप किन को चेक करवाएंगे दे आर मैनी नेम्स गुड नेम्स अवेलेबल आप उनके पास जाएँ उनसे गाइडेंस लें या थर्डली आप ये कर सकते हैं कि अपने किसी फ्रेंड से जिसके साथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप दोनों आपस में मिल के कोऑर्डिनेट करके चेक करवा लें मैंने अपने फ्रेंड से भी किया था क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ही क्वालिफाई किया था मेरा क्लास फेलो भी है तो मुझे काफ़ी इसमें हेल्प हुई थी कि हम दोनों कोऑर्डिनेट ईजिली कर लेते थे इसके अलावा मैंने सर शबीर जो हैं वो काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इसमें बिल्ड करने में सेंटेंस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में उन्होंने काफ़ी हेल्प की उन्होंने प्रेसी के लिए हेल्प की कि आप किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उन्होंने मेरी एसे में भी हेल्प की आउटलाइन किस तरह बना सकते हैं और किस तरह हमने कंपाइल करना है अपने एसे को सो so, इस तरह मैंने अपना जो ये सेकेंड पेपर था इसको प्रिपेयर किया था अब इसके बाद अगर हम बात करें सी एस एसे के लिए सो सी एस 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 जो है उसके लिए आपको ये तीन तीन चीज़ें तो चाहिए जिसमें ग्रामर है वोकेबरी है और सेंटेंस स्ट्रक्चर है लेकिन उसमें एक और चीज़ आपको चाहिए जो है आपके एनालिसिस जो है आपका जो आपके आइडियाज़ हैं जो आपका बैकग्राउंड नॉलेज है तो आपके पास जब ये फोर्थ चार चीज़ें आ जाएंगी तो आप अपना ऐसे ईजीली कंपाइल कर सकते हैं अब इस ऐसे को प्रोसीड करने के लिए दे आर डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हर कोई डिफरेंट मैथडोलॉजी यूज़ करता है आउटलाइंस के स्टाइल डिफरेंट हैं पैराग्राफ राइटिंग के स्टाइल डिफरेंट हैं सो जो मेरा आउटलाइन जो मेरा अपना व्यू ये है कि सबसे पहले आपको अपनी आउटलाइन बिल्ड करनी आनी चाहिए अब आउटलाइन बिल्ड करने के दे आर मैनी वेज़ अवेलेबल अब मैं आपको अपनी एक आउटलाइन भी शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में जो आप देखेंगे कि आपके पास अभी शो हो रही है उसके अंदर मैं इस तरह आउटलाइन बनाता था और इस तरह मैं अपना डाटा भी ऐड करता था सो so, इस तरह आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह हम स्टैंडर्ड आउटलाइन बना सकते हैं उसके बाद ये है कि आपने जो सेकेंड चीज़ आती है ऐसे में वो है इंट्रोडक्शन उसका क्योंकि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो पूरी जो आपकी आउटलाइन है उस सबका ब्रीफ होता है उसमें सारी कुछ डिटेल्स आ रही होती हैं कि आपने अपना ऐसे में क्या लिखना है किस तरह आपका ऐसे जा रहा है क्योंकि उसमें जो हर लाइन है वो आपका हर एक पैराग्राफ होता है अगर आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका एक निचोर है उसकी एक समरी है और वही समरी आपके इंट्रोडक्शन में आ रही होती है सो आपने इंट्रोडक्शन कैसे कंपाइल करना है जब आप आउटलाइन अपनी लिख लेंगे आपने आउटलाइन को पढ़ना है उसमें जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं उसको एक नोट डाउन करना है सेपरेटली एक रफ आपने इंट्रो बनाना है उसके बाद आप उसी इंट्रो को एक लिख लें नीट करके मतलब एक रिफ़ाइंड फॉर्म में लिख लें तो आपका वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं और कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं अगर हम इसको समराइज़ करें तो सबसे पहले रेन एन मार्टिन प्रीमियर इंग्लिश ग्रामर एंड कम्पोजिशन एंड डॉन न्यूज़पेपर तो ये तीन चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड आपकी बिल्डिंग विकैबरी ये तो आपका मेन पार्ट होना चाहिए हर किसी का मेन पार्ट बिल्डिंग वकीबरी होना चाहिए थर्ड आपके इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं जिसमें इकोनॉमिस्ट फॉरेन अफेयर मैगजीन और डॉन न्यूज़ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि प्रैक्टिस अगर आपने ये सारी चीज़ें भी कर ली हैं और लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपका ये करने का को कोई फ़ायदा नहीं है तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसको अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे सो so, मेरा आपको यही मशवरा है कि जब आप ये चीज़ें प्रिपेयर कर लें तो ये ना समझें कि आपकी ये जो चीज़ें हैं आपकी प्रिपेयर हो गई हैं और यू आर द मास्टर वन कैन नॉट बी द मास्टर अंटीनस ही प्रिपेयर्स ही प्रैक्टिस एंड ही आस्क सम गाइडेंस तो आपने जब ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप इन दो सब्जेक्ट्स में इजीली अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे और इन शाह क्वालिफाई भी कर लेंगे अगर आपके इनमें कोई क्वेश्चन हैं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपको कुछ डिफिकल्टीज़ आ रही हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में सो so आप कमेंट कर दें और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकें थैंक यू वेरी मच